यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल ये एक इंडियन प्रोफेशनल क्रिकेटर है जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं मुंबई के लिए और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम में खेलते हैं। जायसवाल का पूरा नाम है यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल। इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 2001 सूर्यवन में, जो एक छोटा टाउन है उत्तर प्रदेश में। जायसवाल के पिताजी का नाम है भूपेंद्र जायसवाल, जो एक स्मॉल हार्डवेयर स्टोर के ओनर है, और इनकी मदर का नाम है कंचन जायसवाल, जो एक हाउसवाइफ है। और जायसवाल के 6 भाई बहन है। जायसवाल ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र से कर दी थी, जब वो अपने घर से दादर मुंबई शिफ्ट हुए आज़ाद मैदान में ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन आज़ाद मैदान काफ़ी दूर था दादर से, इसलिए वो कालबा देवी शिफ्ट हो गए। वहाँ पर उन्होंने डेयरी शॉप में काम भी किया और साथ में क्रिकेट ट्रेनिंग भी ली, लेकिन इसी वजह से शॉपकीपर ने उनको दुकान से निकाल दिया, क्योंकि ये क्रिकेट ट्रेनिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और शॉप पे कम काम कर रहे थे। शॉप से निकलने के बाद जायसवाल के पास कोई भी रहने की जगह नहीं बची और कितनी रातें वो भूखे भी सोए। बाद में उन्होंने मैदान के पास में अपना एक टेंट लगाया और पानी पूरी बेचना चालू किया, और अगले 3 सालों तक कुछ ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर दिसंबर 2013 में जावला सिंह, जो एक क्रिकेट अकेडमी चलाते सांता क्रूज में, उन्होंने जायसवाल के क्रिकेट टैलेंट को पहचाना और वो अपने साथ जायसवाल को लेके गए एक अच्छी जगह प्रोवाइड कराई रहने के लिए और क्रिकेट में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाई। और आज की तारीख में जावला सिंह लीगल गार्डियन है यशस्वी जायसवाल के। लेकिन मेन लाइमलाइट इनको मिली थी 2015 में, जब उन्होंने 319 नॉट आउट रन बनाए थे स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में, और ये एक रिकॉर्ड है जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। बाद में इनको मुंबई अंडर 16 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया और उसके बाद इंडिया अंडर 19 में भी शामिल कर लिया गया। लेकिन मेन टर्निंग पॉइंट था 2018 का अंडर 19 एशिया कप, जिसमें जायसवाल ने 318 रन बनाए थे और वो उस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर थे और वो टूर्नामेंट इंडिया ने जीता था। और दिसंबर 2019 में जायसवाल का सिलेक्शन होता है इंडिया स्क्वाड फॉर 2020 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये एक लीडिंग स्कोरर थे उस टूर्नामेंट में और इन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट सेमीफाइनल में। और 7 जनवरी 2019 में जायसवाल ने उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू किया मुंबई के लिए 2018-19 रणजी ट्रॉफी में। उसके बाद 28 सितंबर 2019 में जायसवाल ने अपना लिस्ट है डेब्यू किया मुंबई के लिए 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी में, और उस टूर्नामेंट में 16 अक्टूबर 2019 में जायसवाल ने 203 रन बनाए 154 बॉल्स में, और ये एक रिकॉर्ड था लिस्ट है क्रिकेट हिस्ट्री में। ये यंगेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। आगे चल के आईपीएल 2020 में यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 2.4 करोड़ रुपीस में खरीदा और बाद में 4 करोड़ रुपीस में रिटेन किया। इसी के चलते आज की तारीख में इनकी नेटवर्थ है 12 करोड़ रुपीस। आज की तारीख में यशस्वी जायसवाल मुंबई में रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और ये किया सोनेट कार ओन करते हैं, जिस कार की प्राइस है 14.98 लाख रुपीस। तो गाइज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यशस्वी जायसवाल की लाइफस्टाइल कैसी लगी। आज की वीडियो को लाइक एम रखते खाली 1000 लाइक, सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और फ्यूचर में इसी टाइप की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़।